अपने उंगली को इस लाल डिब्बे पे टिकाइए और मजे ले लेके बस इस घंटे को हिला दीजिए। लो हो गए भर्ती आप कबड्डी गुरु के पाठशाला में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जून से स्टार स्पोर्ट्स पे चालू होने जा रही है दुबई कबड्डी मास्टर्स ओवी लाइव। तो इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हैं जिनमें से पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान के वीकनेस पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ ही मैं उसकी जो भी फुल जो भी स्क्वाड है वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा, कौन रेडर है, कौन का पोजीशन है, उनके फोटोज के साथ। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए एकदम एंड तक। तो अगर आपको दुबई कबड्डी मास्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के लिंक है जहाँ से आप वो वीडियोस देख के इसके बारे में जान सकते हो। उसके अलावा मैंने हर एक टीम के ऊपर स्क्वाड की वीडियो बनाई है जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सबसे पहले हम बात करेंगे रेडरों की। तो दोस्तों रेडरों में है वकार अली, मुदस्सर अली, मोहम्मद नादिम, सज्जाद शौकत, अबिद हुसैन, अखलाक हुसैन, मुजम्मल हुसैन। तो ये तो थी रेडर्स की बात, अब हम बात करेंगे डिफेंडरों की। तो दोस्तों वासिम सज्जाद, मोहम्मद इमरान और काशिफ रज्जाक। फिर दोस्तों हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स की, नासिर अली, मोहम्मद निसार और मोहम्मद सुफियान। अब हम एक प्लेयर की बात करेंगे जिसका फोटो वो ही मुझे नहीं मिला और उसका पोजीशन भी मैं नहीं जानता, वो है क्वासिर अब्बास। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की टीम 14 प्लेयरों की। तो अगर आप पाकिस्तान से हो और पाकिस्तान की कबड्डी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो तो जल्द से जल्द अभी कमेंट करके स्टार्टिंग 7 बना के दो मुझे, और बताओ कि 22 जून के जो ओपनिंग मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वहाँ पे कौन जीतेगा। चलिए दोस्तों अब हम पाकिस्तान की थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करें। तो दोस्तों पाकिस्तान में हम देख सकते हैं कि रेडरों की भरमार है, लेकिन दोस्तों जो रेडर्स है वो भी डिफेंस कर सकते हैं, वो भी डिफेंस करते हैं। पाकिस्तान के लगभग सारे ही प्लेयर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं दोस्तों, सारे ही लगभग ऑलराउंडर्स है, और जब भी वो डिफेंस करते हैं अगर उनका सेट हो गया तो यार बड़े से बड़े रेडरों को पकड़ लेते हैं, और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनके डिफेंडरों के बीच। तो इनका डिफेंस बहुत अच्छा है। अब इनकी वीकनेस पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इनकी वीकनेस है इनकी रेडिंग। यहाँ पे रेडर्स भरमार है टीम में आप देख पा रहे हो, लेकिन अच्छे खासे रेडर्स की बड़ी मात्रा में अभाव है दोस्तों। तो अच्छे खासे रेडर्स नहीं है पाकिस्तान में, तो इनकी रेडिंग बहुत वीक है, यही इनकी वीकनेस पॉइंट है दोस्तों। बस यही थी आज की इस वीडियो में पाकिस्तान को लेके कुछ अपडेट्स और दुबई कबड्डी मास्टर्स को लेके कुछ अपडेट्स। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ।